दोस्तों आपको पता ही होगा कि पिछले शनिवार को मेघालय में भाजपा नेता के फार्म हाउस पर छापेमारी की गई थी, जहां से कई नाबालिगों को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया था और जिसके बाद मेघालय पुलिस ने भाजपा के नेता पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगा था। अब उसी सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में फरार चल रही मेघालय के भाजपा उपाध्यक्ष बर्नार्ड एन मराक उर्फ रिम्पू को एसओजी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि उनके खिलाफ मेघालय पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था, जिसके कुछ घंटे बाद ही एसओजी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हापुड़ एसपी दीपक भूकर ने बताया कि मेघालय के पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी गारो पर्वतीय जिले में उनके फार्म हाउस रिम्पू बागान पर छापा मार कार्रवाई की गई, जहां से उसने 6 नाबालिगों को मुक्त कराया था, जिनमें 4 किशोर और 2 किशोरियां शामिल थीं। इसके साथ ही 73 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। छापेमारी में 27 वाहन, 8 दोपहिया वाहन, करीब 400 बोतल शराब, 47 मोबाइल फोन, क्रॉसबो और तीर जब्त किए गए थे। तब से वह फरार चल रहे थे। मंगलवार को उन्हें सूचना मिली कि बर्नार्ड एन मराक उर्फ रिम्पू पिलखुवा में मौजूद है। वहीं एसपी ने बताया कि बर्नार्ड एन मराक उर्फ रिम्पू पर एक नाबालिग का बार बार यौन शोषण करने का आरोप है। इस मामले में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 366, 376 और पॉक्सो अधिनियम समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था और साथ ही इस मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किए गए थे। वहीं सूत्रों के अनुसार बर्नार्ड एन मराक उर्फ रिम्पू नेपाल भागने की फिराक में था। कार में सवार होकर वह पिलखुवा क्षेत्र में पहुंचा था। हालांकि अधिकारी इस मामले में अधिक जानकारी नहीं दे रहे हैं। आप मेघालय से आई इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा ने अपनी पार्टी में किस किस्म के लोगों को भर्ती कर रखा है। जहां एक तरफ तो भाजपा और पीएम मोदी महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतने वादे करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके ही पार्टी के नेता सेक्स रैकेट चलाते हुए पाए जाते हैं। क्या मेघालय से आई ये खबर पूरे देश के लिए चिंता का विषय नहीं है? क्या भाजपा और पीएम मोदी के इस मामले पर कोई जवाबदेही नहीं बनती है? अगर हाँ तो फिर अब तक पार्टी के द्वारा कोई सफाई क्यों नहीं दी गई है? और ये पहला मामला नहीं है जहां भाजपा का कोई नेता ऐसे गैर कानूनी काम करता हुआ पाया गया है। ऐसा ही एक मामला हाल ही में गुजरात से भी निकलकर सामने आया था, जहां गुजरात के एक भाजपा नेता ने अपनी पार्टी में जमकर दारू बांटी थी, जो अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कही जाने वाली भाजपा के लिए चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाने का विषय है। इस खबर में सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी और भी खबरें पाने के लिए देखते रहें MIM News Express।